पांच पर्वत शिखरों के पीछे से भगवान भास्कर का उदय हो रहा है, जो बहुत सुंदर है। और हम भी ने भी उधर ही मुख कर लिया है, सूर्याभिमुख हो गए हैं। और ऐसा सूर्य उदय, क्योंकि ये पहाड़ तो पहली बार ऐसे और इनके पीछे ऐसी सुबह सुबह हमने देखा, तो ये सूर्य उदय हमने पांच दशकों के बाद देखा है। क्योंकि जितनी हमारी आयु बढ़ती जा रही, बचपन की याद नहीं, चार पांच साल, तो 50 वर्षों के बाद इतना सुंदर सूर्योदय दिखाने के लिए, और इस सूर्योदय के साथ सबका भाग्य उदय हो। अभी सामने पूरे गंगा जी का भी दर्शन हो रहा है, सूर्य का भी दर्शन हो रहा है, प्रकृति का दर्शन हो रहा है। और पूज्य आचार्य जी ने एक नया गांव बसा दिया हिमालय में, जो है वैसे तो गांव, लेकिन यहां से उजड़ गया था, जहां से उजड़ गया था वहीं बसा दिया, नई बस्ती है, नया दृश्य है। और बिना पलक झपके जब ऐसे लगातार जहां जहां सूर्य उदय हो रहा, पूरे देश में सूर्य उदय, जहां थोड़ा सा जल्दी हो रहा है तो थोड़ी देर में पूरे देश में भी हो जाएगा, पहाड़ में तो हो ही गया, क्योंकि सूर्य उदय का समय नीचे कहीं कहीं 6:15 चल रहा है, कहीं दूर सुदूर भारत में कहीं 6:30 चल रहा होगा, 6:15 से 6:30 के बीच में तो पूरे देश में लगभग हो जा रहा है, यहां थोड़ा जल्दी हो गया है। तो ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दधता घनता जानता संगमे मही। हम सूर्य के त्राटक के साथ ऐसे 5 मिनट हम सूर्य का त्राटक भी रोज करें, तो सूर्य जैसा तेज, सूर्य जैसी अखंड अजस्र अक्षय ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। ये जो सौर एनर्जी है, ये तो मनुष्य ने एक तरह से सूर्य की ऊर्जा को उपयोग किया है। ये सृष्टि में जितने भी रंग है, ये सब सूर्य के कारण से, जितने भी सृष्टि में शक्ति है, ऊर्जा, वो सूर्य के कारण से। और जो हम फल शाक सब्जियां खाते हैं, उनमें जो रस है, उनमें जो मिठास है, उनमें जो औषधीय शक्ति है, उसमें जो एनर्जी है, उसका भी स्रोत सूर्य है। माने जो ऊर्जा पूरी तरह से अभिव्यक्त होती है, अलग अलग प्रकार की जो गैसेज है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, पृथ्वी का तो आश्रय मिला, ये तो धरती माँ की तरह है, पृथ्वी का आश्रय है, उसमें अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब कुछ है, लेकिन वो पूरा अभिव्यक्त होता है केवल मात्र सूर्य के प्रकाश में। तो सूर्य यदि हम उसको भौतिक दृष्टि से भी कहें, तो सारी ऊर्जाओं का आश्रय है। अब हम भी लगातार जब कर रहे हैं, तो पहले लालिमा लिए भी हमें दिख रहा था, पूर्ण श्वेत रंग में, शुभ्र रंग में हमें दिखाई दे रहा है, उसमें बीच बीच में थोड़े थोड़े से कलर दिखते हैं, जब हम भी टकटकी लगा करके बिना पलक झपके देख रहे हैं। तो ये जितना भी मिठास है, अभी परसों ही हमने आपको पूरा वो तथ्य कुछ, जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज जो भी पैदा हो रहे हैं, वो सूर्य के संश्लेषण से पैदा हो रहे हैं। जितना भी ऑक्सीजनेशन हो रहा है, ये भी प्रकाश के संश्लेषण से हो रहा है। बहुत कुछ है, सब कुछ का आधार, यदि इस जगत का आधार कहा जाए तो एक अग्नि और एक सोम, अग्नि का आधार सूर्य और सोम का आधार चंद्र, और सोम चंद्र का ये जो पूरा आश्रय, माने पूरा जो सत्य है, पूरी शक्ति ऊर्जा अभिव्यक्त होती है, तो सूर्य के आश्रय से। तो हम भी ने भी त्राटक बहुत दिनों के बाद किया सूर्य का, क्योंकि हम जहाँ बैठते हैं वहाँ ऐसा योगग्राम निरामय में अवसर मिला नहीं, तो आज जो है बहुत अरसे के बाद ये सूर्य का त्राटक करने का सौभाग्य श्रद्धे आचार्य श्री ने दिला है। पहले तो हम थोड़ा जल्दी आने वाले थे, और लेकिन फिर हमने कल रात को ही इधर आ गए, तो आचार्य श्री के आशीष से हमको भी ये सौभाग्य मिल गया। तो अभी हमारी आंखें थकी नहीं, इसका मतलब आंख ठीक है अभी। तो
आंखों में नहीं तो आंसू आने लगता है, थोड़ा सा हल्का सा। अब लग रहा है कि आंखों पर हल्का सा दबाव आया है, क्योंकि मैंने पहले 5 से 10 मिनट का अभ्यास किया था। जब 3 साल पहले योगग्राम निरामम में गया था तब बाहर खुला मंच लगता था, फिर क्योंकि योग भवन छोटा पड़ गया था पहले वाला, फिर दूसरा जब बड़ा बना तो फिर बाहर एक योग प्रांगण बना, उसमें सूर्य पीठ पीछे से जहाँ से आ रहा था वहाँ पेड़ थे, तो वहाँ नहीं हो पा रहा था सूर्य का त्राटक। खैर, तो ये सूर्य के त्राटक के साथ आपको त्राटक की महिमा भी थोड़ी बता दी है। Thank you.